इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आज फिर बढ़ेगा बीजेपी का कुनबा, कई बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं भाजपा में। आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे नेता। सूत्रों के मुताबिक रणदीप सिंह भिंडर, लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ा, भंवर सिंह पलाड़ा, भवानी सिंह कालवी और विश्वराज सिंह मेवाड़ के नाम चर्चा में हैं, जो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस से जुड़े एक बड़े नेता के भी भाजपा ज्वाइन करने की संभावनाएं हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, कुछ नाम जो चर्चा का विषय बने हुए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। कई बड़े चेहरे आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर आज बीजेपी ज्वाइन ये कर सकते हैं। कई बड़े नाम सुर्खियों में हैं, आपको बता दें, रणदीप सिंह भिंडर का नाम हो, फिर चाहे लक्ष्मणराज सिंह का हो, भंवर सिंह पलाड़ा भी नाम चर्चा में है, भवानी सिंह कालवी और विश्वराज सिंह मेवाड़ के नाम भी सुर्खियां बटोर रहे हैं, आज शामिल हो सकते हैं भाजपा में। 11:30 बजे के आसपास, करीब 10 से 15 मिनट के बाद ये कार्यक्रम होना है, जिसमें कई कांग्रेस के लीडर्स बीजेपी ज्वाइन करेंगे। निजाम कंटालिया हमारे सहयोगी से खबर पर बेहतर बातचीत के लिए कनेक्ट हो रहे, करेंगे बातचीत। निजाम, लगातार चर्चा हो रही है कि कई सारे नाम जो है आज बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे, कितनी बड़ी एज यहां से बीजेपी को मिल रही है और कितना बड़ा झटका कांग्रेस के लिए अगर ये नाम आज बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो। बिल्कुल, देखिए, कुछ लगातार अगर इस बात की चर्चा चल रही थी पिछले 2 सप्ताह से कि राजस्थान कांग्रेस से और कांग्रेस से जुड़े जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, और आखिरकार आज जो है करीब कह सकते हैं कि 10 से 15 मिनट में ही ये जो चेहरे हैं फिर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। फिलहाल जो हमारे पास जानकारी निकल के आ रही है कि रणदीप सिंह भिंडर है, लक्ष्मणराज सिंह मेवाड़ा, भंवर सिंह पलाड़ा और विश्वराज सिंह मेवाड़ हैं, भवानी सिंह कालवी, इनके नाम जो हैं निकल कर सामने आ रहे हैं कि ये आज करीब 11:30 बजे जो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर जो है ये बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक भिंडर जो एक तरह से कह सकते हैं रणदीप सिंह भिंडर का एक बड़ा प्रभुत्व तो है रणदीप वल्लभ नगर में, और एक तरह से अगर कांग्रेस के लिए एक बेहद कह सकते हैं कि झटका हो सकता है ये। इसके साथ ही लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ा और भंवर सिंह पलाड़ा का भी नाम जो है सामने आ रहा है कि ये आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, वैसे जो लगातार पिछले कुछ समय से एक बड़े मंत्री के नाम आ रहा था कि भाई उनका भी जो है वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं, फिलहाल जो कह सकते हैं जो उनके आसपास के लोग हैं वो इससे इनकार कर रहे हैं कि अभी फिलहाल वो जो हैं जयपुर में हैं, मिनिस्टर जो कांग्रेस में लंबे मंत्री भी रहे हैं और अभी जाट समाज के भी एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उनके आसपास के जो लोग हैं वो अभी बता रहे हैं कि फिलहाल जो हैं मंत्री जो हैं अभी इस लिस्ट में शामिल नहीं है, या कह सकते हैं कि उनका अभी इस तरह से कोई, लेकिन चर्चा पिछले 2 सप्ताह से ही जारी है कि कई कांग्रेस से जो बड़े नेता हैं। निजाम, आप बने रहिए। विष्णु भी हमारे सहयोगी जयपुर से कनेक्ट है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। विष्णु, लगातार कई सारे नाम चर्चा का विषय बने हुए हैं कि आज बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, एक बड़े नेता की बात बहुत ज्यादा हो रही है कि एक बड़े नेता भी हैं जो आज बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, इन सभी तैरती खबरों के बीच में जयपुर में क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगातार जयपुर में भी इसी तरह की चर्चा है कि कौन यहां पर ज्वाइन करने वाला है, क्योंकि बेहद गोपनीय तरीके से ये ज्वाइनिंग करवा रहे हैं ताकि कोई नाम बाहर निकल जाए तो ज्वाइनिंग के बाद अचानक पता चले ज्वाइनिंग के समय। पिछले दिनों ज्योति मिर्धा को भी जब ज्वाइन कराया था तो इसी तरह का माहौल था, पूरी बीजेपी में जो दिल्ली है कह सकते हैं कि इनका जो राष्ट्रीय कार्यालय है वहां पर ज्वाइन कराया, तो कहीं ना कहीं ये तय है कि जो ये पूरे तरीके से यहाँ पर चर्चाएं हैं पूरे पार्टी कार्यालय से लेकर तमाम कार्यकर्ताओं तक सब में ये चर्चा है। बड़ी बात इनमें एक नाम जो आ रहा था सामने जो मेरे साथी निजाम ने बताया, भंवर सिंह जो पलाड़ा है वो लगातार उनकी जो पत्नी है सुशील कंवर पलाड़ा वो यहाँ एमएलए रह चुकी हैं बीजेपी से, तो कहीं ना कहीं वो उनका नाम जो है। रणदीप सिंह भिंडर काफी लंबे से समय से चर्चा चली आ रही थी, प्रयासरत भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो गुलाबचंद कटारिया और उनके बीच में अदावत चली आ रही थी उस वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसे में उनका ज्वाइन करना लगभग है। इसे लक्ष्यराज मेवाड़ा उनका नाम भी लगातार चर्चाओं में था कि वो मेवाड़ राज परिवार से ताल्लुक रखते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी ज्वाइन करेंगे, उसके लिए बीजेपी की जो है कमेटी बनाई गई है ज्वाइनिंग, उसमें भी नाम था। ओके विष्णु, जाहिर तौर पर देखिए अब 10 से 15 मिनट और बचे हैं, उसके बाद जो शीशा है वो साफ हो जाएगा और तस्वीर निकल कर सामने आएगी कि कौन कौन से वो नेता है, कौन कौन से वो नाम है जो बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया विष्णु आपका, निजाम आपका भी, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। इस खबर के साथ, इस बड़ी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे फिलहाल, नमस्कार।